हेलो, मैं सुबोध एंड आई एम फ्रॉम मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एमडीयू रोहतक। माय टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेम एंड टेम। लेट्स स्टार्ट। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग हाई रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस, जो कि हमारी बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस की या फिर नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस की हो सकती है। जो बायोमेडिकल रिसर्चेज होती हैं वहाँ पर इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम डिटेल स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी टिश्यू का या फिर सेल्स का, ऑर्गेनेल्स का या फिर मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड्स का। इस टेक्निक की हेल्प से हम फाइनेस्ट इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिमेन की। इवन हम जो फैदरी स्केल्स होते हैं इंसेक्ट के, उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी सेल्स के, उनको भी स्टडी कर सकते हैं, या प्रोटीन की स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, या फिर एटम्स को स्टडी कर सकते हैं। नाउ, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है वो दो तरह की होती है, जो कि हमारी होती है सेम एंड टेम। जो सेम है वो होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और टेम जो होती है वो होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जो सेम है वो मेनली यूज होती है सॉरी सेम है जो वो मेनली यूज होती है सरफेस के स्ट्रक्चर्स के लिए, और जो हमारी टेम है वो यूज होती है डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो सेम है वो हमारी मेनली सरफेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज होती है, और जो टेम है वो डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए यूज होती है। नाउ, सेम का ओवरव्यू। सेम में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है वो हमारी जब सैंपल को स्ट्राइक करेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलेंगे उनको स्कैन करके सेम एक इमेज बनाएगा, जो कि हमें कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, जो सेम है वो किसी भी सैंपल के सरफेस के व्यू हमें दे सकता है। जो सैंपल्स हो सकते हैं हमारे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हो सकते हैं, या फिर जियोलॉजिकल सैंपल्स हो सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस हो सकते हैं। जो इसका मैग्निफिकेशन पावर है वो होता है 1 to 2 million टाइम्स। इसके थ्रू हम इसे एग्जाम्पल से हमारे पास स्पोर्स, इंसेक्ट के फाइबर्स या सेल्स, इनके स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद टेम जो है वो एक मेजर एनालिटिकल मेथड है, जो कि हमारा फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल साइंसेज में यूज होता है। इसके थ्रू हम जो बिल्कुल फाइनेस्ट डिटेल होती है, जैसे कि हमारे कॉलम है एटम का, उसको भी स्टडी कर सकते हैं। सेम और टेम में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो टेम है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है, और जो सेम है वो हमारा सिर्फ सैंपल के सरफेस को डिफाइन करता है। ये जो है हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजोल्यूशन देता है, और जो इसकी मैग्निफिकेशन है वो 50 मिलियन टाइम्स है। ओके, नाउ ये कुछ इमेजेस है जो सेम की है। ये हमारी पोलन ग्रेन की इमेज है, जो कि सरफेस व्यू है, और ये हमारी आरबीसी के स्ट्रक्चर की इमेज है। नाउ ये है टेम की इमेजेस, जो कि ओनियन रूट टिप की है। ये हमें ओनियन रूट टिप के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में इमेज मिली है, और जो हमारी ये है कोन रूट टिप की, जो हमें कोन रूट टिप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करती है। नाउ इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी मेटेरियल को स्ट्राइक करती है तो उसकी चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वो उस मेटेरियल के अंदर से पास हो जाए, या फिर वो एक्स रेज को इमिट करे, जो कि फोटॉन्स होते हैं, जो कि एनर्जी पैकेट्स होते हैं, या फिर वो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे, या फिर वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेजोरिटी में प्रेजेंट होते हैं एस सेम के अंदर। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम मेटल को स्ट्राइक करेगी, उसके बाद वो इन इलास्टिक कोलिजन को परफॉर्म करेगी। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि जब वो मेटल को स्ट्राइक करेगी वो कुछ एनर्जी को लूज कर देगी और वापस बैक बाउंस बैक कर जाएगी। इसमें जो उसकी वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होगी, और सिर्फ जो एंगल है वो चेंज होगा। जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जो एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसमें वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, सिर्फ जो एंगल है वो चेंज होगा। बैकस्कैटर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम मात्रा में मिलते हैं सेम के अंदर, और जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। टेम के अंदर क्या होता है कि जब मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिट कर जाएगी तो वो केस होता है हमारा टेम के। टेम में इलेक्ट्रॉन उसके स्पेसिमेन के अंदर से पास हो जाएंगे। सेम के अंदर ऐसा नहीं होगा। सेम के अंदर तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, बैकस्कैटर इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्स रेज।
इन तीनों को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं सैम के अंदर, जो इन तीनों को डिटेक्ट करेंगे और उसके थ्रू एक इमेज को ऑब्टेन करेंगे। नाउ टेम, जो हमारी टेम है वो स्टैंड करती है ट्रांसमिशन एमिशन माइक्रोस्कोप। क्या करता है ये, बहुत ही फाइन डिटेल को कैप्चर करता है, इवन कॉलम ऑफ एटम, हाईएस्ट रेजोल्यूशन देता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बीम जब स्ट्राइक करेगी किसी भी स्पेसिमेन को और जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो जाएंगे सिर्फ वो ही कंसिडर्ड होते हैं। यहाँ पर छह पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन गन, लेंस, स्क्रीन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गन है इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम को निकालने का, काम होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का, इंडस्ट्रियल लेंस का काम होता है कि इन सभी जो रेस ऊपर से आएगी वो स्पेसिमेन के ऊपर जाए, ऑब्जेक्टिव लेंस फर्दर रेस को इंटरमीडिएट लेंस के पास जाता है, उसके बाद ये हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर है। जो इलेक्ट्रॉन बीम है हमारी, इलेक्ट्रॉन गन, ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन बीम को पास करती है एनोड के ऊपर। जो हमारा एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे इसके ऊपर तो ये ट्रांसमिट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडेंसर लेंस के ऊपर। पर कंडेंसर लेंस का यहाँ क्या पर्पज होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं उनको सिर्फ एक फाइन बीम पे स्पेसिमेन के ऊपर ले जाकर टकराता है। इसके बाद जब स्पेसिमेन के ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगी वो जाके ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर नेक्स्ट स्ट्राइक करेगी। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या होता है कि ये इन इलेक्ट्रॉन बीम्स को लेके जाए इंटरमीडिएट लेंस के पास। इंटरमीडिएट लेंस के बाद ये जाएगी प्रोजेक्टर लेंस के पास, उसके बाद ये बीम प्रोजेक्टर लेंस से जाएगी हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन के पास। फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमें क्या करेगी, ये हमें एक इमेज प्रोवाइड करेगी जो भी स्पेसिमेन हमारा ऊपर प्रेजेंट था। जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम जो हमारे पास यहाँ से आई थी एनोड के ऊपर, इस स्पेसिमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करेगी ताकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिट हुए हैं उनके थ्रू हमें इमेज मिल सके। जो इलेक्ट्रॉन गन है वो क्या होती है, वो टंगस्टन फिलामेंट की बनी होती है, वो इलेक्ट्रॉन बीम के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। जो इसकी वोल्टेज है वो 80 to 300 kV की यूज होती है, ये हाई इंटेंसिटी यूज करते हैं ताकि हमें फाइनेस्ट डिटेल मिले, और ये सभी काम सिर्फ वैक्यूम के अंदर होता है, तो यहाँ पर ये वैक्यूम के अंडर ऑपरेट होती है। जो एनोड है हमारी वो पॉजिटिवली चार्ज होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ और उनको एक एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास आता है कंडेंसर लेंस। जो सारे यहाँ पर लेंसेज यूज हुए हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, बल्कि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसमें वो लेंस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते। ये इसलिए होते हैं ताकि ये फोकस कर सके, जो हमारी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से आ रही है उनको फोकस कर सके, इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का यूज करते हैं। जो सैंपल है हमारा वो इस टेम के केस में हमें बहुत ही फाइन अमाउंट ऑफ सैंपल यूज होता है, नियर अबाउट 100 नैनोमीटर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सैंपल, इस प्रिपेयर करना बहुत ही हार्ड होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सैम का। जो इसका जो थिकनेस, जो हमारा सैंपल होल्डर होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 200 माइक्रोमीटर, और जो टेम है उसका डायमीटर होता है 3 नैनोमीटर। जो सैंपल की प्रिपरेशन कैसे होती है, सैंपल हमारे पास चार बेसिक स्टेप्स में प्रिपेयर होता है। फर्स्ट स्टेप होता है इसका फिक्सेशन, सेकेंड स्टेप होता है रेंजिंग, थर्ड स्टेप होता है सेकेंडरी फिक्सेशन, और फोर्थ स्टेप होता है डिहाइड्रेशन। नाउ जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फिक्सेशन, ये भी दो तरीके से परफॉर्म होती है, दैट इज केमिकल फिक्सेशन एंड क्राय फिक्सेशन। जो केमिकल फिक्सेशन है वो हम करते हैं, जो हमारा सैंपल है उसको हम ट्रीट करेंगे ग्लूटरल डिहाइड के साथ। इसके में क्या होता है कि जब हम सैंपल को ग्लूटरल डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो केमिकली वहां पर फिक्स हो जाता है। जो दूसरा हमारा पार्ट है क्राय फिक्सेशन का, इसमें हम सैंपल को लिक्विड नाइट्रोजन या फिर हीलियम के साथ ट्रीट करेंगे, जो कि यूज होता है फ्रीजिंग के लिए ताकि वो उसको फ्रीज कर दे। जो हमारे पास इसके बाद जो स्टेप है वो है रिंजिंग का, तो जो रिंजिंग है वो हमारी होती है सोडियम कैकोडाइलेट से। ये एक बफर है जो कि उसकी पीएच को चेंज नहीं करने देता और उसको रिंजिंग में करने में हेल्प करता है। इसके बाद है हमारी सेकेंडरी फिक्सेशन। जो सेकेंडरी फिक्सेशन है ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा सैंपल है उसकी जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा सके, ठीक है। इसके बाद हम ये करते हैं ओसमियम डाइऑक्साइड की हेल्प से।
इसके करने की वजह से जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल की, उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिहाइड्रेशन का। जो डिहाइड्रेशन जो स्टेप है वो हम करते हैं इथेनॉल की हेल्प से या फिर एसीटोन की हेल्प से। ये सब चारों स्टेप परफॉर्म करने के बाद जो हमारा सैंपल है वो एकदम तैयार हो जाता है। उसको हम सैंपल होल्डर पे लोड कर देते हैं, उसके बाद हम अपना टेम परफॉर्म करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका काम क्या होता है, ये फोकस करता है इलेक्ट्रॉन बीम्स को प्रोजेक्टर लेंस के पास। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। जो प्रोजेक्टर लेंस होता है ये क्या करेगा, ये उस जो ट्रांसमिटेड बीम थी उसको मैग्नीफाई कर देगा ताकि हमें एक मैग्नीफाइड इमेज मिले। इंटरस्ट्रक्चर का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल व्यू में देख सकें। ये क्या करेगा, जो हमारी बी इलेक्ट्रॉन बीम जो आई थी उसको फोकस कर देगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जो कि हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हम उसको इमेज को देख सकते हैं। अब जो टेम की इमेजिंग होती है इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। अब जो टेम की इमेजिंग है इसके लिए हमारे पास 5 मेथड है, जो कि है पहला ब्राइट फील्ड इमेजिंग, सेकेंड है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, थर्ड है हाई रेजोल्यूशन टेम, और फोर्थ है स्कैनिंग टेम, फिफ्थ है हाई एंगुलर डार्क फील्ड। तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। ब्राइट फील्ड इमेजिंग, इसमें क्या है, जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल के थ्रू पास होगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं, या तो वो स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर वो अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो इलास्टिक हो सकते हैं या फिर इनइलास्टिक हो सकते हैं। इलास्टिक में क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जो उसकी वेवलेंथ है वो सेम रहेगी बट जो एंगल है सिर्फ वो चेंज हो जाएगा। और इनइलास्टिक में क्या होगा कि यहाँ पर वेवलेंथ में भी चेंज आ जाएगा और एंगल में भी चेंज आ जाएगा। जो अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम मेनली हमारी जो BSI है, जो हमने पीछे भी पढ़ा ब्राइट फील्ड वाली, उसमें हम यूज करते हैं। सॉरी ये BFI है, ब्राइट फील्ड इमेजिंग, सो इसको हम यूज करते हैं BFI में। ठीक है, लेट मी राइट इट। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है इसमें क्या होता है, जो इलास्टिकली स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको यूज करते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता और ना ही उनकी कोई एनर्जी लॉस होती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में यूज करते हैं जो कि हमें टेम इमेज देगी। इसके बाद हमारे पास जो आती है वो होती है हाई रेजोल्यूशन टेम। जो इसमें जो स्पेसिमेन है वो हमारा, वो उसका साइज होता है लेस देन 100 नैनोमीटर। ये बहुत अल्ट्रा थिन होता है, इसमें दोनों तरह की स्कैटरिंग हो सकती है, इलास्टिक भी और इनइलास्टिक भी। इसमें जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे क्योंकि जब वो क्रिस्टल लैटिस जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ जब जाकर रिएक्ट करेंगे तो वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करेंगे। इसके बाद है हमारे स्कैनिंग टेम, जो हमारे उनको उसका मोर भी बोलते हैं कि स्टेम। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो स्कैनिंग कॉइल का प्रेजेंट होंगी, स्कैनिंग कॉइल प्रेजेंट होंगी जो कि सैंपल को स्कैन करेगी और इमेज की प्रोडक्शन करेगी। इसके बाद हमारी हाई एंगुलर डार्क फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो उनके पास हाई स्कैटरिंग एंगल है उनको हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि इनकोहेरेंट इन नेचर होते हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे और उनके थ्रू हम इमेज को ऑब्टेन करेंगे। जिनका स्कैटरिंग एंगल हाई है और इनकोहेरेंट इन नेचर है उसकी हम इमेज ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट है हमारी अब सेम, जो कि हमारी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये क्या करती है, ये स्कैन करती है सरफेस को, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जो फोकस हुई है उसको स्कैन, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्कैन करेगी और इमेज प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर हम रास्टर स्कैन जनरेटर का यूज करते हैं स्कैनिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दो तरह की होती है, LVSEM और LVPSEM। LVSEM होती है लो वोल्टेज सेम और VPSEM होती है वेरिएबल प्रेशर सेम। LVSEM इसको हम बोलते हैं लो वोल्टेज सेम। इसमें क्या होती है कि हमारे पास बहुत ही कम वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है, 1 to 1 to 5 kV की, और जो ये है ये हमारी हायर रेजोल्यूशन देगी और इसको हम लो वैक्यूम में यूज करते हैं, जो कि हमारी 0.1 to 0.004 pascal तक होती है, मतलब कि 10^-1 to 10^-4 pascal का यहाँ पर वैक्यूम।
जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो लो वैक्यूम यूज़ करते हैं, जो कि 10^-1 से लेकर 10^-4 पास्कल्स का होता है। जो हमारी वेरिएबल प्रेशर सेम है उसमें प्रेशर अप्लाइड करते हैं हम 10 पास्कल्स का, ये हमें हाई रेजोल्यूशन ऑफ इमेज प्रोवाइड करती है। नाउ सेम की वर्किंग, लेंस, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, फिर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, फिर एक्सरे डिटेक्टर, स्पेलिंग रोड है रोड है आई एम सॉरी, फिर कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स से निकलेगी और एनोड के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी। नाउ एनोड क्या करेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन बीम को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इसके बाद एनोड फोकस करेगा इन बीम को कंडेंसर लेंसेज के ऊपर। कंडेंसर लेंसेज क्या करेंगे, ये फोकस करेंगे इन बीम्स को ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, अब ये इन बीम को लेके जाएगा स्पेसिमेन के पास। अब जब ये बीम स्पेसिमेन के पास पहुंचेगी ये कंडेंसर से यहाँ पर नीचे, स्पेसिमेन पे स्ट्राइक करेंगे, इसके बाद क्या होगा, ये इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को एमिट करे, या एक्सरे एमिट करे, या फिर बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करे। जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करते हैं। इट्स मींस कि जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन को स्ट्राइक करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक करेंगे इलास्टिकली विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। जो एनर्जी लूज नहीं करेंगे वो हमारे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर देंगे इन इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करेंगे वो हमारे होते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारे पास जो फोटोन की तरह से जो एमिशन होगा वो होती है एक्सरेज। अब इन एक्सरे को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिटेक्टर प्रेजेंट है। बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर है हमारे पास, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। ये तीनों जब इनको डिटेक्ट कर लेंगे ये जाके स्कैन जनरेटर और एम्पलीफायर के थ्रू कंप्यूटर में सीपीयू में इमेज वो ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल को, और वो सीपीयू में इमेज प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन गन है हमारा, उसका क्या काम है, ये टंगस्टन फिलामेंट की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती है वोल्टेज 1 से लेकर 30 kV की। जो इलेक्ट्रॉन है वो 30-50 kV का हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास सैंपल है उसकी प्रिपरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। जो सैंपल है ये हमारा प्योर होना चाहिए, इसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कंटेमिनेशन होगी तो हमारे पास बैड क्वालिटी की इमेज ऑब्टेन होगी। न्यूट्रल डिहाइड है वो हम एज ए फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, इसको हम डिहाइड्रेशन करते हैं एयर में या फिर क्रिटिकल पॉइंट ड्राई। अब जब हमारे पास सैंपल बन गया, इसके बाद हम इसको माउंट करेंगे सैंपल होल्डर में, उसको हम बोलते हैं स्टब। अब जो ये स्टब है इसके ऊपर एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, प्लेटिनम, गोल्ड या कार्बन, इन तीनों में से कोई भी एक कोटिंग हो सकती है। ये बहुत थिन लेयर की कोटिंग होती है, ये कोटिंग होती है 10 नैनोमीटर की, जो हेल्प करती है इमेजिनिंग ऑफ सेल्स। नॉन कंडक्टिव, जो बीम सेंसिटिव जो सैंपल होते हैं उनके ऊपर स्पटर की कोटिंग होती है जो कि बहुत ही थिन होती है, ये प्रिवेंट करेगी डैमेजिंग ऑफ सैंपल्स बाय इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, जो नॉन इलेक्ट्रॉन सैंपल नॉन कंडक्टिव सैंपल्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है सैंपल के सरफेस को ये उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्पटर की कोटिंग प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं इनको स्प्रेड करने का काम करती है। हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इनको एक्सलेशन प्रोवाइड करेगा। जो कंडेंसर लेंस है वो क्या करेंगे, फोकस करेंगे बीम को ऑब्जेक्टिव के ऊपर, और जो ऑब्जेक्टिव वाला काम होता है ये फोकस करते हैं सैंपल के ऊपर। हम यहाँ पर रास्टर स्कैन जनरेटर को यूज करते हैं लाइव स्कैनिंग के लिए सैंपल के। ओके, नेक्स्ट। अब डिटेक्शन, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फिर हमें करना है एक्सरे का डिटेक्शन। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा इन इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करेंगे, बैक स्कैटर इलास्टिक परफॉर्म करेंगे। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हाई इन नंबर होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कुछ लूज करेंगे और फिर बाउंस बैक करेंगे। इसमें इनकी वेवलेंथ भी चेंज होगी और इनका एंगल भी चेंज होगा, बट बैक स्कैटर्ड में ओनली वेवलेंथ चेंज होगी, एंगल चेंज सॉरी
एंगल चेंज होगा बट वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। हमारे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई इन नंबर होते हैं, यहाँ पर बाइस्ड ग्रिड प्रेजेंट होती है जो इनको पॉजिटिव चार्ज देती है। ये हमें एक बेसिक इमेज देंगे जो भी हमने सैंपल यूज़ किया है उसकी। अब यहाँ पर हम ईटी डिटेक्टर को यूज़ करते हैं जो कि होते हैं एवर हार्ट डिटेक्टर। ओके, नाउ बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स, जो बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके लिए बीएसई डिटेक्टर का यूज़ होता है। हम यहाँ पर ईटी वाला डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं बट हमें जो वोल्टेज है उसको वेरी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वोल्टेज को वेरी नहीं करेंगे तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को भी ट्रैप कर लेंगे। तो इसको ताकि वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को ट्रैप ना करे हम इसके वोल्टेज को वेरी कर देते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास एक्स रे डिटेक्टर, ये क्या करेगा, एक्स रे को डिटेक्ट करेगा और इस प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स रे एनालिसिस। अब जो सारा डाटा है इनसे वो हम कलेक्ट कर लेंगे और सीपीयू को भेजेंगे, वो हमें एक इमेज प्रोवाइड कर देंगे। So that is all about TEM and SEM, their working